अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? आज मैंने अपने हैंड्स की स्क्रबिंग और क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग की थी, तो उसकी मैंने आज शॉर्ट सी वीडियो बनाई है कि मैं कैसे करती हूँ, तो आप भी देख सकते हैं। चलें, लेट्स गो। ये फ्रेंड्स, अब ये देखें मैं लेने लगी हूँ इसमें से। ये देखिए, मैंने इतनी सी अमाउंट ले ली है, ठीक है, थोड़ी सी और लेती हूँ। सिर्फ इतनी सी अमाउंट काफ़ी होती है। ठीक, इसको मैंने अब बंद कर दिया है और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने दोनों हैंड्स पर, इधर भी और इस तरह, इधर से इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर इस तरह से इसको रब करना है स्मूथली, लाइटली, ठीक है। आपने ज़्यादा हार्ड जो है, हार्श जो है, अपने हैंड यूज़ नहीं करने, बहुत स्मूथली और बहुत सॉफ्टली आपने अपने हाथों को जो है मसाज करना है। मैं ख़ुद ही घर में करती हूँ, मैं पार्लर नहीं जाती और बेस्ट समझती हूँ कि खुद ही कर लूँ। अच्छा जी, तो ये देखें, ये जगह, ये जो हमारी उंगलियों की टिप्स होती हैं और उसके मिड का जो ये वाला हिस्सा होता है, बोन होती है, इसके ऊपर लाइट सा आप मसाज करें। तो मैं ख़ुद से ही करती हूँ इस तरह। मुझे लगता है कि मेरे अपने हैंड्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, तो कर लेती हूँ मैं, सही रहता है, ठीक है। तो जो करवाते हैं पार्लर वगैरह से, तो उनकी अपनी मर्ज़ी की बात है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने स्किन टोन के मुताबिक प्रोडक्ट लूँ और अपने मुताबिक मैं उसका इस्तेमाल करूँ, ठीक है। ये देखें, मैं अपने हैंड्स की, फेस की, अपने फुट की, इस तरह से ही केयर करती हूँ, खुद से ही सब कुछ। जो मैंने क्लेंजिंग करनी होती है फेस की, हैंड की, तो मैं ऐसे करती हूँ। स्क्रबिंग करनी हो तब भी ऐसे करती हूँ। जस्ट अपनी आईब्रोज के लिए मुझे जो है करना पड़ता है पार्लर का रुख, ठीक है। तो ये देखें, प्रोडक्ट आप हमेशा अपने स्किन टोन के मुताबिक लें। आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के मुताबिक, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, टोटली ड्राई स्किन है, सर से लेके पाँव तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने सारे हैंड के ऊपर जो है मसाज करना है, ठीक है। जितना फ्लाइटली और स्मूथली आप खुद कर सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता, मेरे तो ख्याल है, ठीक है। तो फिंगर्स के अंडर साइड इस तरह से, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। दूसरे हाथ का भी इस तरह से करें। क्योंकि इसके अंदर हमारे हैंड की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए आप थोड़ा सा आप अपने थोड़े से लाइट सा हार्ड अपना हैंड यूज़ कर सकते हैं क्लिनजिंग करने के लिए, इसकी स्क्रबिंग करने के लिए, सॉरी स्क्रबिंग करने के लिए तो कर सकते हैं। फेस की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए उस पर तो बहुत ही स्मूथली हैंड रखना चाहिए, ठीक है। चलें जी, ओके। अब मैं इसको अच्छी तरह से 2-3 टाइम के लिए करूँगी, ठीक है, ताकि मेरी जो जितनी भी डेड स्किन जो है ना वो उतर जाए, ठीक है। वैसे तो हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू होता है, पानी हमारे बॉडी पे लगता है, तो हमारी स्किन जो है वो इतनी ख़राब नहीं होती, ठीक है। नमाज़ पढ़ने से, वज़ू करने से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये भी एक टिप है,
के वज़ू जो है ना, वो जहाँ जहाँ हमारे फेस पे, हमारे हैंड पे, जहाँ जहाँ हम वज़ू करते हैं, तो हमारी स्किन वैसे ही साफ़ रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। ठीक है, तो ये तो एक सिर्फ जितना बंदा कर ले अच्छा है। ठीक है, तो ये देखें मैं ऐसे ही करती हूँ, ये देखें इस तरह से किया। और मैं समझती हूँ हम जो खुद घर में अपना मसाज वगैरह हाथों का मुंह का कर लेना तो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि हम किसी से करवाएं। मुझे ना वो होती है, वो इरिटेशन होती है, मुझे काफ़ी दफ़ा जाती हूँ ना कभी कहीं पार्लर में बनवाने के लिए, आईब्रोज या हेयर कटिंग या कुछ इस तरह काम करवाने जाती हूँ ना, तो वो कहती हैं, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ मैं खुद ही कर लेती हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अपनी स्किन टोन के मुताबिक मैंने सब कुछ रखा हुआ है और यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा जी, इसी तरह से आप अपने पूरे बाजू की कोनियों तक मतलब जो है ना कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आपको हाथ की दिखा रही हूँ। ठीक है, तो कर सकते हैं, देखें कितनी डेड स्किन जो है वो उतरती है, उतर रही है। देखें आप खुद जो है ना देखेंगे फर्क अपने किए हुए का और पार्लर से करवाए हुए का। ठीक है, मैंने कभी करवाया तो नहीं ना, फ़र्क मैंने देखा, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि जो बंदा खुद कर लेता है ना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अल्लाह मियाँ ने हमें सब कुछ दिया है, हाथों दिए है, कर सकते हैं, तो बेहतर ये है कि बंदा कर ले, खुद ही कर ले। थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को टाइम देना, क्योंकि बहुत लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं हमारा टाइम ही नहीं बचता, ये करना वो करना। ना, अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलें जी, अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगी, वो जो टैप वाटर होता है ना उसके साथ मैं इसको वॉश कर लूँगी पहले, ये देखें। उसके बाद वॉश करने के बाद मैं इसको सोप के साथ वॉश करूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आकर। टन जी, तो फ्रेंड्स देखें अभी मैंने हैंड वॉश किए हैं सोप के साथ, जो रेगुलर सोप होता है। अब मैं यूज़ करती हूँ सेफगार्ड का पिंक, तो मैंने उससे ही सिर्फ हैंड वॉश कर ली है। ठीक है, ना कुछ स्पेशल मेरा, हालांकि फेस वॉश मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने हैंड वॉश सॉरी सोप से ही हैंड वॉश कर ली है। ठीक है, तो ये देखें आपको पहले वाले हैंड में और अब वाले हैंड में का फ़र्क फील हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं स्क्रबिंग करने के बाद अब मैं करूँगी क्लेंजिंग, और मैं क्लेंजिंग किस चीज़ से करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्लेंजिंग के लिए मैंने ये ओलिविया का मैं लिया है मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग मिल्क, तो ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, चलें जी, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद क्लेंजिंग जो है, मिल्क क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी होती है। चलें जी, खुल जा सिम सिम। आई, इतनी हार्डली टफली ओपन होते हैं ये। अच्छा जी, बस इतनी सी अमाउंट काफ़ी होती है हैंड्स के लिए, तो ये देखें क्या यूँ लगा दिया, यूँ लगा दिया, क्योंकि ये मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है। मुझे इस बात की हो रही है कि ये क्लेंजिंग मिल्क जो है, ये मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग मिल्क ही है ना, ये लोशन तो नहीं, क्योंकि इसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इस तरह के मिल जाते हैं। मैं सर्च करूँ इसके बारे में, लेकिन इस पर क्लेंजिंग मिल्क के लिखा हुआ है ओलिविया का, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। ये देखो, इसको भी मैंने लाइक दैट मैंने इसको मसाज करना है। ठीक है ना, उसी इसी एरिया में ऐसे ही करना है मसाज। ठीक है, जेंटली स्मूथली लाइक सॉफ्ट हैंड, बट समटाइम हार्डली। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पार्लर
पार्लर को छोड़ के अपने घर अपने आप खुद ही पार्लर वाला बनाया हुआ है, मतलब कि खुद ही इस्तेमाल कर अपनी स्किन टोन के मुताबिक प्रोडक्ट परचेज करके खुद ही यूज़ करती हैं, पार्लर नहीं जाती, ठीक है ना? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ये देखें, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे। फर्स्ट टाइम ये वाला क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, देखें क्या रिजल्ट आता है। पहले मैं इस्तेमाल करती थी लॉफ्टी का क्लेंजर, वो मेरे पास थोड़ा सा रह गया। अब मैं मार्केट से परचेज़ करने जाती हूँ तो मुझे यही कहती हैं शॉपकीपर के ना, अब ये मिलता नहीं है, अब आ नहीं रहा। तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गई हूँ कि वो तो बड़ा अच्छा लॉफ्टी का क्लेंजर था जो मैं यूज़ करती थी ड्राई स्किन के लिए, तो उससे मेरी स्किन भी मॉइस्चराइज होती थी, हाइड्रेट भी होती थी, इवन HP जो है ना उस लेवल उसका बहुत अच्छा था। तो वो मॉइस्चराइजिंग भी था, मिल्क मिल्क क्लेंजर था, ठीक है ना? तो अब देखें ये भी मिल्क क्लेंजर ही है मॉइस्चराइजिंग का, तो इसलिए मैंने लिया। मैंने कहा मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ, अगर ये मुझे सूट कर गया ठीक है, वरना अल्लाह करे वो कंपनी लॉफ्टी की वो बनाना शुरू कर दे ताकि मुझे फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मुझे उससे बहुत फ़ायदा था। मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं मुझे वो यूज़ करते हुए, मैं करती रही हूँ, और मुझे मेरे स्किन पे उसके अलावा कोई भी सेट नहीं होता। और जब वो सेट हो गया था इसके अलावा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी और तरफ जाऊँ मैं, लेकिन अब वो नहीं मिलता, नहीं आ रहा। तो देखिए अब टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है? चलें जी, अब ये हमारा मसाज भी हो गया क्लेंजिंग मिल्क का, ठीक है? अब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूजर फ्रेंड्स, अब ये देखें मेरे हैंड्स आफ्टर मिल्क क्लेंजिंग, ओके ठीक है ना? तो मैंने वही हैंड जो है मैंने सोप के साथ वॉश किए हैं, उसके बाद आके पास रिजल्ट, ठीक है? अच्छा जी, स्क्रबिंग मॉइस्चर क्लेंजिंग और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्क्रब करें आप क्लेंजिंग करें तो हमारे स्किन के अंदर जो मॉइस्चराइज़र होता है ना वो हो जाता है ख़त्म, ठीक है? तो इसलिए हमें लोशन इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं पॉन्ड्स का जो है लोशन ये वाला यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स का जो है सिल्की ट्रिपल विटामिन सिल्की स्मूथ स्किन, ठीक है? मॉइस्चराइजिंग लोशन है ये वाला, बहुत अच्छा लोशन है ये, इसको मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ी सी अमाउंट ली, इसके 1 ड्रॉप ही काफ़ी है, ठीक है? 1 ड्रॉप काफ़ी है, इसको हमने लिया, ठीक है? इसको हमने अप्लाई किया इस तरह से अपने हैंड के ऊपर, फिर इसके बाद मैं यूँ अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है स्किन को, और मेरी स्किन तो वैसे ही बड़ी ड्राई रहती है, बड़ी ड्राई होती है, तो इस वजह से इसको आपने यूज़ कर लिया, दैट्स इट। मैं अपने फेस पर भी ये यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र, ठीक है? फेस वॉश किया सुबह फेस, अपने फेस वॉश से जो हिमालया का है कोकम्बर और एलोवेरा वाला, ठीक है? उसके बाद है अपना फेस जो है उसको ड्राई किया, फिर उसके बाद लोशन यूज़ किया। अब ये देखें हैंड आपके सामने है, नन 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 ये देखें, ठीक है? आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में कितना इजाफा हुआ ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो, इसलिए उसके बाद फिर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और ना मुझे बताइएगा कि कौन कौन से लोग, मतलब कौन कौन सी लेडीज़ हैं जो कि मैं इतना घर में ही अपने ये सारे काम वगैरह कर लेती हैं, क्लेंजिंग का और स्क्रबिंग का, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।